नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है दोस्तों सफ़ेद कलर, और सफ़ेद कलर में मैं 25 फूल आपको दिखाऊंगा जो कि ऑल सीजन खिलते हैं, और इनके नाम और केयर भी बता दूंगा। सफ़ेद कलर बहुत प्यारा लगता है और ये शुद्धता, पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। आप भी अगर सफ़ेद कलर के फूल का शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और वीडियो में दोस्तों फूल के नाम और उसके केयर भी मैं बता दूंगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला फूल जो है ये रजनीगंधा का फूल है, और देख सकते हैं आप सफ़ेद कलर में बहुत प्यारा फूल, और ये सेंटेड भी होता है दोस्तों। सफ़ेद फूल में बहुत फूलों में दोस्तों खुशबू रहता है, और रजनीगंधा देख सकते हैं, ट्यूबरोज भी बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर मैं रिसेंटली एक वीडियो डाला था इसके केयर के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। आइए सेकंड फूल के और चलते हैं। ये देखिए प्लूमेरिया पुड़ी का, ये भी दोस्तों सफ़ेद कलर में रहता है, सेंटर रहता है इसका येलो, ये नॉन सेंटर्ड है, लेकिन देखिए देखने में बहुत सुंदर है। फूल एक गिर गया है, ये 7-8 दिन लास्टिंग करता है, उसके बाद गिर जाता है, और बारिश के महीने में, समर सीजन में खासकर ये बहुत ज़ोरदार फूल देता है आपको। थर्ड है हमारा जूही, जस्पेनियम एरिकोलेटम, और ये दोस्तों सेंटेड फूलों में से इसका गिनती नंबर 1 पे आता है, और देख सकते हैं छोटा छोटा सफ़ेद कलर में फूल, ये बहुत बढ़िया खुशबू देता है शाम के टाइम में। यहाँ पे है देखिए मालती लता एचिटेस, इसे दोस्तों मधुमालिनी भी बोलते हैं, ये बहुत रेयर प्लांट है, हर जगह पे मिलता नहीं है। ये एक भाइन होता है और इसे सपोर्ट चाहिए, ये भी सेंटेड फूल है दोस्तों। इसका भी देखिए सफ़ेद कलर में फूल सब आ रहा है, और फूल देखने में बहुत बढ़िया दिखता है, स्टार जैसा लगता है, और ये आपका रेनी सीजन और रेनी सीजन के बाद दोस्तों खासकर फूल देता है, 3-4 महीने तक इसमें फूल आता है, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। यहाँ पे है मांडाविला का वाइट वेराइटी, देख सकते हैं सेंटर रहता है इसका येलो, और इसे रॉकेट ट्रम्पेट भी बोलते हैं, और ये हैवी ब्लूमर रहता है दोस्तों। इसे सपोर्ट चाहिए दूसरे प्लांट का या फिर किसी वायर या छड़ी का, तो ये आपका समर में और रेनी सीजन में बहुत ज़ोरदार फूल देता है और नॉन स्टॉप खिलता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जीनिया का सफ़ेद कलर, ये भी दोस्तों बहुत प्यारा लगता है, फूल इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला, करीब 20 दिन के ऊपर 25 दिन तक जाता है दोस्तों इसका फूल, और ये छोटा छोटा फूल लेकिन क्वांटिटी में बहुत रहता है, इसलिए बहुत प्यारा लगता है, जीनिया प्रोफ्यूजन इसका नाम है। और ये देख सकते हैं आपका क्लेमाटिस रंजाई भी बोलते हैं इसको, और ये दोस्तों गर्मियों में और बारिश के महीने में बहुत ज़ोरदार फूल देता है, क्लस्टर में इसका फूल आता है, और फूल भी सेंटेड होता है, तो खूबसूरती के साथ साथ इसका सेंट भी अच्छा लगता है दोस्तों। और ये बुधा जुई भी बोलते हैं इसको कोलकाता के साइड, तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है, ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुलाब दोस्तों, सफ़ेद कलर का गुलाब कौन नहीं लगाना चाहता है, देखिए कितना प्यारा दिखता है। इसमें देसी वेराइटी भी आता है, ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड वेराइटी है, और कोई भी आप लगा सकते हैं, सफ़ेद कलर में गुलाब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आर्कटिक स्नो, इसे भूटान मल्ली भी बोलते हैं, श्रीलंकन जस्मिन, और बहुत प्यारा फूल देता है, ये आपको सेंटेड फूल जैसा दिखेगा लेकिन नॉन सेंटेड है, लेकिन रेगुलर खिलता है दोस्तों। अभी देखिए समर में और अभी बारिश के महीने में भी रेगुलर इसमें फूल आ रहा है, फूल प्लास्टिक जैसा दिखेगा आपको, बहुत सख्त रहता है इसका फूल। नेक्स्ट पौधा है हमारा मोगरा, मोगरा दोस्तों ये ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्केनी है, मोगरा का सबसे बड़ा वेराइटी, ये सेंटेड भी होता है और फूल भी देखिए गार्डेनिया जैसा आपको दिखेगा, बहुत साइज में बड़ा रहता है, पेटल भी बहुत ज़्यादा रहता है, और इसे राजमल्ली भी बोलते हैं, बट मोगरा बोलते हैं, और ये दोस्तों आपका समर और रेनी सीजन में खासकर बहुत फूल देता है, और ये थोड़ा रेयर वेराइटी है, देसी मोगरा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अगर आपको मिलता है तो ज़रूर लगाना चाहिए, और ये कटिंग के थ्रू अभी बारिश में बहुत आसानी से लग जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट पौधे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पौधा है हमारा लिलियम एशियाटिक लिली, और ये देखिए आपका बहुत सुंदर फूल देता है, और रात में रेडियम जैसा दिखता है दोस्तों, और प्योर वाइट देखिए, बहुत सुंदर फूल, 5-6 दिन तक टिकता है ये, और ये खासकर आपका होता है प्री विंटर और विंटर में दोस्तों। एशियाटिक लिली आप बल्ब खरीद के लगा सकते हैं, और ये बहुत सुंदर फूल देता है, साइज बहुत बड़ा रहता है, और एक के बाद एक इसमें बर्ड आता रहता है दोस्तों, तो ये विंटर का फ्लावर है, और विंटर में अगर एशियाटिक लिली आप लगाना चाहते हैं तो
बहुत बढ़िया है, ये अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों, और इसका केयर भी बहुत ईजी होता है। साइज इसका देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा रहता है, 5 से 6 इंच तक जाता है दोस्तों इसका फूल। नेक्स्ट है हमारा मोगरा। मोगरा जो ये देख रहे हैं, ये मदन बाण मोगरा है, और ये दोस्तों पेटल बहुत रहता है इसका, और ये देखिए नोकीला रहता है इसका पेटल सब। और ग्रैंड ड्यूक जो आप देख रहे थे वो डिफरेंट वेराइटी है, देसी मोगरा भी आता है। मोगरा का किसी भी वेराइटी आप लगाइए दोस्तों, बहुत सुंदर खुशबू देगा ये। और देख सकते हैं इसका बड़ भी थोड़ा लंबा है, ये मदन बाण मोगरा बहुत सुंदर खुशबू भी देता है। ये रेगुलर खिलने वाला वैरायटी है दोस्तों, देसी मोगरा जो है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हाइब्रिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है हमारा चाइना डॉल। ये दोस्तों बहुत बढ़िया खुशबूदार पौधा है, और देखिए वाइट कलर में फूल, सेंटर इसका येलोइश रहता है, और फूल देख सकते हैं साइज में भी काफ़ी बड़ा है। इसमें से मसालेदार खुशबू आता है, और बहुत लाइट सेंट बोलूँगा, भीनी भीनी खुशबू देता है ये। और इसका पत्ता भी बहुत शाइनी रहता है दोस्तों, पत्ता भी बहुत डेकोरेटिव लगता है, फूल ना भी खिले तो ये बहुत सुंदर लगता है। खासकर ये खिलता है आपका समर में और रेनी सीजन में, पता देखिए बहुत प्यारा दिखेगा ये आपको। और ये सेंटर्ड पौधों में से गिनती में आता है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका मडागास्कर जस्मिन वैक्स फ्लावर, मोम जैसा इसका फूल रहता है, इसीलिए इसे वैक्स फ्लावर बोलते हैं। ये रेयर है दोस्तों, और ये एक वाइन है, इसमें फूल आपका ओकेजनल आता है, लेकिन फूल आ गया तो दोस्तों 20 दिन के करीब टिकता है। और ये देखिए प्योर वाइट मोम जैसा आपको दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा रेन लिली। रेन लिली का देखिए वाइट कलर, ये बारिश के महीने में खासकर बहुत ज़ोरदार फूल देता है। इसका बहुत सारा कलर आता है, लेकिन देखिए वाइट खिला हुआ है, इसीलिए मैं आपको वाइट दिखा रहा हूँ। और ये फूल दोस्तों बार बार खिलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कामिनी, मधु कामिनी बोल सकते हैं इसको, छोटा छोटा फूल और बहुत सेंटेड, ये आप ज़रूर लगाना चाहिए, खासकर आपका बारिश के महीने में ज़ोरदार फूल देता है। इसे दोस्तों ऑरेंज जस्मिन भी बोलते हैं, और इसका बार बार फूल आता है आपका समर से लेके बारिश के महीने तक। बहुत हार्डी प्लांट रहता है, और बड़ा गमला में इसे लगाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे है गार्डेनिया, गंधराज बोलते हैं इसको, सुगंधराज बहुत सारा नाम है, और सेंटेड फूलों में से ये टॉप में आता है दोस्तों गिनती में। इसका फूल देखिए वाइट गुलाब जैसा आपको दिखेगा, और पेटल भी बहुत ज़बरदस्त रहता है इसका दोस्तों। सिंगल पेटल भी आता है, लेकिन मल्टी पेटल देखिए इसको लगाना बहुत टॉप जॉब है। और इसके केयर के ऊपर भी मेरा वीडियो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका बर्ड ड्रॉप होता है, और इसका बर्ड कैसे ड्रॉप नहीं होता है उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा है हमारा देखिए राइटिया रेलिवियसा, इसे वाटर जस्मिन भी बोलते हैं। छोटा छोटा फूल और स्टार शेप में रहता है, नीचे झुका हुआ रहता है, और ये दोस्तों समर में और रेनी सीजन में फूल देता है। बहुत सारे लोग इसे बोनसाई के तरह लगाते हैं, और देख सकते हैं फूल इसका भीनी भीनी खुशबू भी बिखरता है दोस्तों। देखने में भी बहुत सुंदर है, क्योंकि क्लस्टर में आता है और हैवी ब्लूमर रहता है। जब पौधे में फूल आता है दोस्तों, पौधा भर जाता है छोटे छोटे फूलों से। और ये भी रेयर प्लांट है, और थोड़ा हार्डी प्लांट भी, आसानी से मरेगा नहीं। ये देखिए आपका गार्डेनिया सिंगल पेटल है, इसके गार्डेनिया वियतनाम भी बोलते हैं, और ये भी दोस्तों खुशबू में कमाल का खुशबू देता है, और खुशबूदार पौधों में ये भी दोस्तों टॉप में आता है। गार्डेनिया का जितना भी वैरायटी आप देखते हो, चाहे येलो वाइट और मल्टी पेटल कुछ भी हो, ये सभी बहुत अच्छा खुशबू देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जरबेरा, जरबेरा का वाइट वैरायटी दोस्तों, थोड़ा येलोइश दिख रहा है, लेकिन ये वाइट है, और ये दोस्तों आपका हाइब्रिड भी आता है, और ये देसी वैरायटी भी है, देसी रफ एंड टॉप रहता है, ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पे है कनेर, कनेर का देखिए आपका वाइट वैरायटी ड्वार्फ में है, और ये दोस्तों सफ़ेद कलर में छोटा छोटा फूल हर सीजन में देता है। ये देखिए समर में भी खिला था, अभी आपका रेनी सीजन में भी फूल दे रहा है, और आगे भी ये फूल देता है, बस विंटर में थोड़ा इसका फूल कम हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी पसंद पौधा है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा है हमारा दिन का राजा, नाम जैसा वैसा काम दोस्तों, दिन में ये खुशबू देता है, इसीलिए दिन में ये राजा होता है। रात रानी में आप देख सकते हैं, रात में खुशबू आता है और उसे रात रानी बोलते हैं, लेकिन ये वाइट कलर में रहता है दोस्तों, वो थोड़ा आपको पीला कलर में मिलेगा वो फूल। और ये भी रेयर प्लांट है, मिलता नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है, और एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो सालों साल ये चलता है दोस्तों, और वाइट कलर में बहुत छोटा छोटा फूल देता है। नेक्स्ट है हमारा एडेनियम, एडेनियम को कौन भूल सकता है, डिजर्ट रोज, वाइट कलर में भी आता है, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा
एज सब इसका रेड कलर है और प्योर वाइट भी आता है दोस्तों, देखने में बहुत सुंदर गुलाब जैसा लगता है। और वाइट एडेनियम ज़रूर आपको रखना चाहिए, और ये हर सीजन में फूल देने वाला पौधा होता है, खासकर आपका समर में और रेनी सीजन में बहुत ज़ोरदार फूल देता है। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पौधा है हमारा डहलिया का। डहलिया देखिए आपका वाइट, ये दोस्तों देखिए साइज इसका, आपका 8 से 9 इंच का फूल आया था, और देख सकते हैं बहुत सुंदर फूल, पेटल काउंट देख सकते हैं। ये बल्ब से ग्रो होता है और सर्दियों में चलता है दोस्तों, तो इस सर्दियों में आप ज़रूर इसे लगाइए। और इसका सैपलिंग मिलता है अक्टूबर नवंबर में, ज़रूर खरीद के लगाएं, बहुत ही सस्ता मिलता है दोस्तों। और बल्ब से अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी इसको लगाना पड़ेगा, बल्ब से इसका कटिंग सब आप बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। लास्ट पौधा है हमारा दोस्तों वाटर लिली। देखिए ये मरमेड है इसका आईडी, और ये सफ़ेद कलर में हाइब्रिड है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन वेराइटी है। बहुत सुंदर ये फूल देता है, और वाटर लिली वाइट कलर में सबसे सुंदर पौधा मैं बोलूँगा दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए जानकारी वाला होगा आशा करता हूँ। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।